नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शिवांश और हर बार की तरह स्मार्ट बर्ड क्लेवर में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में। हम डिफरेंट एल्गोरिथम लेंगे और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमाइन करना सीखेंगे। सो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी होगी है, अब बिना किसी देरी के बड़ी जल्दी बड़े आराम से बड़े प्यार से हम ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। सो लेट्स गो। सो सबसे पहले मैं एक लूप ले रहा हूं। जैसे मेरा एक लूप है फॉर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। इस लूप के अंदर कुछ भी स्टेटमेंट हो सकती है। देर आर सम स्टेटमेंट प्रेजेंट इनसाइड दिस लूप। इस लूप के अंदर स्टेटमेंट है। सो हमने अपने पिछले वीडियो में फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड के बारे में पढ़ा था कि ये जो लूप है ये एन प्लस वन टाइम्स चलेगा और इसके अंदर जितनी स्टेटमेंट है वो चलेगी एन यूनिट ऑफ टाइम्स। सो अगर आप इसे ऑर्डर में रिप्रेजेंट करोगे सो हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर ऑफ एन इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना सर। सो दोस्तों, क्या कंडीशन है, एक्चुअली वी डोंट नीड टू सी दिस पर्टिकुलर कंडीशन कि हमारा लूप एन प्लस वन टाइम चल रहा है। वी बेसिकली सी द स्टेटमेंट जो हमारी एग्जीक्यूट हो रही है। सो दोस्तों, इस लूप को मैं और फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ फॉर आई इक्वल टू एन, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, आई माइनस माइनस। सो ये भी क्या हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बी ऑर्डर ऑफ एन। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई इक्वल टू आई प्लस टू। अब इस वाले कंडीशन में क्या आ जाएगी, इट विल बी ऑर्डर ऑफ एन बाई टू विच विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन। अगर यहाँ पे ये कंडीशन आ गई फॉर आई इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस इक्वल टू हंड्रेड, अगर ये हंड्रेड टाइम्स बढ़ रहा है तो तब क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ एन बाई हंड्रेड, ऑर्डर ऑफ एन बाई हंड्रेड विच विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन ओनली। आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में। सो दोस्तों, ये होगी हमारी पहली कंडीशन। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। सो देखो, सो फ्रेंड्स, अगली कंडीशन मेरी आती है, ये बेसिकली नेस्टेड लूप है। अब हमें क्या पता है ये पर्टिकुलर लूप चलेगा एन प्लस वन टाइम्स के लिए। सो इसके अंदर की स्टेटमेंट कितने टाइम्स के लिए चलेगी, एन टाइम्स के लिए चलेगी। सो अब ये लूप आ गया, ये लूप कितनी बार चलेगा, एन प्लस वन टाइम्स चलेगा, और इसके अंदर की स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, एन टाइम्स चलेगी। सो बेसिकली वी डोंट केयर अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, वी केयर अबाउट द स्टेटमेंट कि हमारी स्टेटमेंट कितने टाइम्स चल रही है। सो मैं इसे डायरेक्टली बोल सकता हूँ, इट इज रनिंग फॉर ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइम्स। आगे आपको कॉन्सेप्ट समझ में। अब थोड़ी सी हम कंडीशन को चेंज करते हैं। सो हम ये एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन की वैल्यू चेंज करेंगे और थोड़ी सी हम अपनी कंडीशन को चेंज करेंगे। आप देखो कैसे चेंज करेंगे, जैसे ये यहाँ पे लेस देन एन है ना, अगर मैं यहाँ पे इसके बदले लेस देन आई कर दूं और इसे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री। सो अब क्या आएगा आंसर, आप गेस करो, खुद सोचो। सो एक काम करते हैं, पहले हम इसका डिटेल एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस कैसे देखेंगे, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल आई ले रहा हूँ, एक ले रहा हूँ जे और एक ले रहा हूँ मैं नंबर ऑफ टाइम्स दिस लूप इज एग्जीक्यूटिंग और ये कितनी बार चल रहे हैं। सो कंडीशन देखो, सबसे पहले आई इक्वल टू जीरो, आई की वैल्यू जीरो है। सो आई लेस देन इक्वल टू एन, आई लेस देन एन है यहाँ पे। सो आई लेस देन एन, जीरो लेस देन एन, ये तो कंडीशन ट्रू है। सो फिर जे की वैल्यू क्या होगी, जे की वैल्यू जीरो होगी। सो जे लेस देन आई, सो जे क्या है, लेस देन आई है। सो जीरो लेस देन जीरो, जीरो लेस देन जीरो होगा नहीं। सो ये कितनी बार चलेगी, जीरो टाइम्स चलेगी, आ रहा है ये स्टेटमेंट। सो अब कंडीशन देखो, आई की वैल्यू क्या हुई, वन हुई। सो जब आई की वैल्यू यहाँ पे वन होगी सो जे कितनी बार चलेगा, जे एक बार चलेगा, इजंट इट। जे कितनी बार चलेगा, जे मेरा चलेगा एक बार। अब कैसे चलेगा, आप खुद सोचो, आई की वैल्यू क्या होगी, वन, जीरो लेस देन वन। सो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। सो ये स्टेटमेंट एक बार चलेगी, जे की जीरो वैल्यू की। अब आई की वैल्यू क्या होगी, टू। सो ये स्टेटमेंट चलेगी, जीरो कॉमा वन, दो बार चलेगी। सो ये दो बार चल रही है। अब आई की वैल्यू तीन हुई, सो ये कितनी बार चलेगी, ये चलेगी तीन बार, जीरो वन टू, ये चल रही है तीन बार। अब इसे आप एन टर्म्स तक कैरी ऑन करते रहो, ये हो रही है एन टर्म्स और ये क्या हो जाएगा, ये भी एन टर्म्स के लिए। सो हमने मान लिया ये चीज एन टर्म्स तक जा रही है और ये भी एन टर्म्स तक जा रही है। अब ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, ये वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन टाइम्स है। सो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू एन टाइम्स। अगर आप इसे सॉल्व करोगे सो ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एन के इक्वल है। सो ये क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। सो ये किसके इक्वल होता है, एन मल्टीप्लाई बाय एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ये इस चीज के इक्वल होता है।
अगर आप इसे लिख सकोगे तो एन स्क्वायर प्लस एन बाय टू हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस वाली कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि डोमिनेटिंग टर्म क्या है यहाँ पे, डोमिनेटिंग टर्म है मेरी एन स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग? सो ये कंडीशन आए आपको समझ में? हमने नंबर ऑफ टाइम्स देखा कि कितने नंबर ऑफ टाइम मेरी स्टेटमेंट चल रही है। सो अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारी पर्टिकुलर क्वेश्चन है। सो इसे भी हम उसी टाइप से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो आई की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, पी की वैल्यू लिख रहा हूँ। इनिशियली आई की वैल्यू क्या है, वन है, और पी की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो लेस देन इक्वल टू एन। सो ये वाली स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी? सो पी की क्या वैल्यू आएगी, पी की वैल्यू क्या है, जीरो, आई की वैल्यू क्या है, वन। सो ये हो जाएगी जीरो प्लस वन, वन। आ रही है आपको कंडीशन समझ में? ये कैसे आई, जीरो प्लस वन, ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब हम आई की वैल्यू इंक्रीज करते हैं, आई की वैल्यू आपकी बार क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। सो आपकी बार क्या कंडीशन आई, यहाँ पे आप चेक करो क्या कंडीशन आएगी, ये पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, वन प्लस आई की वैल्यू क्या होगी, टू, वन प्लस टू हो गया थ्री। अब आई की वैल्यू होगी थ्री, सो ये क्या हो जाएगी, थ्री प्लस थ्री किसके इक्वल आया, सिक्स के इक्वल आई। आ रहा है आपको समझ में? सो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पे थ्री आया ना, तो थ्री के बदले में ये चीज भी लिख सकता हूँ, वन प्लस टू, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन है ना, ताकि हम इसका एग्जामिनेशन अच्छे से कर पाएंगे। सो ये फोर आएगा, सो क्या आ जाएगा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ये किसके इक्वल हो जाएगी, छः और चार दस, ये तो चीज़ आ रही है आपको समझ में। अब अगर मैं चाहूँ मैं क्या करूँगा, ये के टाइम्स चलाऊंगा, ये पर्टिकुलर चीज इट विल रन फॉर के टाइम्स। वी हैव टू मेक एन एजम्पशन, मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ। सो वी हैव टू एज्यूम, वी हैव टू एज्यूम दैट एट वैल्यू के, दैट एट वैल्यू के मतलब के टाइम जब एक पर्टिकुलर कंडीशन चलेगी, सो जो वैल्यू ऑफ पी है वो किसके बड़ी हो जाएगी, वो एन से बड़ी हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ पी बिकम्स ग्रेटर देन एन, मतलब ये वाली कंडीशन हो जाएगी मेरी फॉल्स। सो अब ये पर्टिकुलर कंडीशन देखो, अगर ये फोर टाइम्स चल रहा है तो वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर हो रहा है, अगर ये थ्री टाइम्स चल रहा है वन प्लस टू प्लस थ्री, अगर ये के टाइम्स चल रहा है तो क्या कंडीशन आएगी, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू के टाइम्स ये एड ऑन हो जाएगी कंडीशन। आपको आ रहा है कॉन्सेप्ट समझ में? अब हम इस चीज को फर्दर सॉल्व करते हैं। सो फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे? सो मुझे पता लग गया कि ये स्टेटमेंट कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, ये वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू के टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। सो एफ ऑफ एन क्या आ जाएगा मेरा, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस अप टू के टाइम्स एग्जीक्यूट हो रही है। सो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, के और के प्लस वन बाय टू। सो हमने क्या कंडीशन एज्यूम करी थी, वी हैव एज्यूम दैट पी शुड बी ग्रेटर देन एन। आ रही है आपको कंडीशन समझ में? सो ये जो वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू आई अभी यहाँ पे, ये फंक्शन की वैल्यू नहीं है बल्कि ये पी की वैल्यू है। हम पी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि पी की वैल्यू क्या आ रही है इस पर्टिकुलर कंडीशन में। सो ये पी की वैल्यू है, सो पी इक्वल टू के इंटू के प्लस वन बाय टू। सो मैं इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सो ये इक्वल हो गया आपका के स्क्वायर प्लस के बाय टू के इक्वल। अब देखो दोस्तों ये कंडीशन यहाँ पे पुट करो, पी इज ग्रेटर देन एन, सो के स्क्वायर प्लस के बाय टू शुड बी ग्रेटर देन एन। अगर मैं इसे एक सिंपल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि के स्क्वायर इज ग्रेटर देन एन। आ रहा है आपको पॉइंट समझ में? क्योंकि ये चीज तो डोमिनेटिंग टर्म यहाँ पे के स्क्वायर ही है, के बाय टू तो बहुत ज्यादा स्मॉल टर्म है। सो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन सिंपली राइट इट के इज इक्वल टू रूट एन, एक तरीके से तो यही हो ना। सो हम इसे क्या कह सकते हैं, जो इसकी ऑर्डर है यह ऑर्डर ऑफ रूट एन। आपको आया है कॉन्सेप्ट समझ में? इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आई, रूट एन आई। सो ये हमने सिंपल एक एजम्पशन बनाया, हमने क्या एजम्पशन बनाया कि जो कंडीशन है ये एक कंडीशन ऐसी आएगी, के स्टेप ऐसे आएगा जिसमें जो वैल्यू ऑफ पी है वो किससे बड़ी हो जाएगी, वो वैल्यू ऑफ एन से बड़ी हो जाएगी। सो उस वाले कंडीशन में ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट। सो मैंने उस कंडीशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली पी की, कि कितनी बार पी चल रहा है, तो ये पी की वैल्यू आगे वन प्लस टू प्लस थ्री अब तो के। सो कंडीशन क्या थी, जो पी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन एन थी। सो पी की वैल्यू क्या आगे, के स्क्वायर प्लस के बाय टू, ये किससे बड़ा होना चाहिए, एन से बड़ा होना चाहिए। अगर आप एसिम्प्टोटिकली देखोगे तो के स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन एन, या फिर मैं से डायरेक्टली अगर आप इक्वल भी रखोगे एटमोस्ट कंडीशन में, सो क्या आ जाएगा, के इक्वल टू रूट एन आ जाएगा। सो हम इसे ऑर्डर ऑफ रूट एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड प्रेस दैट बेल आइकन। ये दोस्तों पार्ट वन ही था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वीडियो का, इसका पार्ट टू आपको कुछ आने वाले दिन में मिल जाएगा। सो पार्ट टू में हम इसी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, हम और ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। सो दोस्तों स्टे ट्यून्ड।